दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंची रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के रूप में। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों मोदी सरकार गरीबों को देगी सौगात, चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए देश के हर घर में पहुंचेगी एसी। जी दोस्तों भीषण गर्मी से आम जनता बहुत बेहाल है। इस गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो गर्मी से राहत नहीं पाते हैं। पैसे वाले तो अपने घर में एसी लगा करके गर्मी से राहत पा लेते हैं लेकिन गरीब तबके के लोग पैसे की कमी की वजह से वो घर में राहत नहीं पाते हैं। ऐसे में अब मोदी सरकार आम जनता के लिए बड़ी सौगात लेकर के आई है। मोदी सरकार के प्रचंड जीत के बाद अब आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही मोदी सरकार आम जनता को चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाने के लिए हर घर में एसी दिलाएगी। जी हाँ दोस्तों, मीडिया खबरों की माने तो सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले एसी अब बाजार की दूसरी कंपनियों से मिल रहे एसी में से 15 से 20 फीसदी का दाम कम हो जाएगा। वहीं मीडिया की रिपोर्ट की यदि माने तो सरकार द्वारा 30 फीसदी कम दाम से सस्ती एसी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि एसी की ईईएससी कंपनी बाजार में उपलब्ध कराएगी। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके इस्तेमाल में बिजली की खपत बहुत ही कम होगी। इससे बिजली के बिल में 35 से 40 फीसदी कम होने की संभावना है। एसी उन लोगों को मिलेगी जिसके नाम पर बिजली कनेक्शन होगा। एसी को पाने के लिए आपको अपना नाम बिजली बिल दिखाना जरूरी होगा। ये एसी बिजली की बचत करने से बाजार में बिकने वाले 5-स्टार रेटिंग एसी के मुकाबले कहीं ज्यादा अच्छे होंगे। इस कंपनी द्वारा एसी को अगले 2 साल में 2 लाख एसी बेचने का लक्ष्य बनाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ताकतवर देश को पहली बार मिल सकता है मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, रचा जा सकता है इतिहास। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के पाकिस्तानी मूल के गृह मंत्री साजिद जावेद ने ब्रिटेन के अगले महीने शुरू होने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में शामिल होने की अपनी मंशा जाहिर की है। जी न्यूज पर छपी खबर के अनुसार इसके साथ ही जावेद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने वाले 9वें उम्मीदवार बन सकते हैं। ब्रिटेन कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ मंत्री ने ट्वीट कर एक वीडियो संदेश में यह घोषणा की है कि लोगों ने टीम साज में शामिल होने की अपील की है। उनके बयान के अनुसार, मैं अगले कंजर्वेटिव नेता के चुनाव और उनके महान देश के प्राइम मिनिस्टर पद के लिए खड़ा होने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि मैं विश्वास को बहाल करके एकजुट लाने और समूचे ब्रिटेन के नए अवसरों को पैदा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें ब्रेक्सिट की आवश्यकता है, मेरी मदद के लिए टीम साज का हिस्सा बने। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टीएमसी को लगा है बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के भाटपारा नगर निगम में बीजेपी का कब्जा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भाटपारा नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को भाटपारा नगर निगम को छीन लिया है। इस नगर निगम में तृणमूल कांग्रेस के 8 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिस वजह से 34 सीटों वाले नगर निगम में अब भाजपा का बहुमत हो गया है। भाटपारा नगर निगम में कुल 34 पार्षद है जिसमें से भाजपा के पहले 11 पार्षद थे। तृणमूल कांग्रेस 8 पार्षद भाजपा में शामिल हो चुके हैं और भाजपा के पार्षदों की कुल संख्या अब 19 हो गई है। इससे 34 पार्षदों वाले नगर निगम पर अब भाजपा का कब्जा है। 19 भाजपा पार्षदों ने अपना पत्र नगर निगम को भेज दिया है। आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद इस तरीके की खबरें आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस की बड़ी टक्कर दी है। तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर 43% दर्ज किया गया है जबकि भाजपा का वोट शेयर भी बढ़कर के 40% को पार किया है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आगे चलकर के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कल से एक बार फिर शुरू होगा 9 दिन का किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, कल से एक बार फिर से मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन शुरू होने जा रहा है। 2 संगठनों द्वारा अलग अलग समय में चलने वाले ये आंदोलन 9 दिन तक चलेगा। भारतीय किसान यूनियन 19 मई से लेकर के 31 मई तक और उसके बाद भारतीय किसान संघ 1 से लेकर के 5 जून तक हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से किसानों ने अपनी उपज को मंडी तक न पहुंचने की घोषणा की है। आपको बता दें कि इसके दौरान दूध और सब्जियों की सप्लाई भी नहीं होगी। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों के उत्थान और कर्ज माफी की बात करती रही है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर किसका उत्थान और कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है। चुनाव से पहले सरकार ने 2 लाख तक रुपए माफ करने का वादा किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर किसानों का कर्ज माफ हुआ होता तो उन्हें नोटिस बैंकों द्वारा क्यों भेजे जा रहे होते? किसान आज भी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि किसानों को आज भी उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों को प्याज उसके सही दाम पर नहीं मिल रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि 29 मई से लेकर के 31 मई तक हड़ताल करेंगे जबकि राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ
1 जून से लेकर के 5 जून तक हड़ताल करेंगे। दोनों ही संगठनों का नेतृत्व किसान नेता कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सऊदी अरब ने अब मुस्लिम देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कतर का कहना है कि उसे सऊदी अरब की ओर से क्षेत्र के बारे में आयोजित आपात बैठक में भाग लेने का निमंत्रण प्राप्त हुआ है। इस बैठक में क्षेत्र में जारी तनावपूर्ण स्थिति पर विचार विमर्श किया जाएगा। parstoday.com के अनुसार रियाद ने अरब संघ के एक सदस्य देशों और फारस की खाड़ी सहयोग परिषद से संबंध रखने वाले देशों को बैठक में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। सऊदी नरेश शाह सलमान ने मध्य पूर्व के नेताओं और अरब संघ के सदस्यों को 30 मई को मक्के के आयोजित आपात बैठक में भाग लेने का निमंत्रण दिया है, किंतु उन्हें यह बताया नहीं गया है कि इसके कतर को भी भाग लेने पर निमंत्रण किया गया है। सऊदी अरब और कतर के बीच संबंध तनावपूर्ण है और सऊदी अरब की ओर से कतर का परिवेश कड़ा कर दिया गया है। फ्रांसीसी समाचार एजेंसी FP के रिपोर्ट के मुताबिक कतर सरकार का सूचना विभाग में एक अधिकारी ने बयान जारी करके कहा है कि कतर के नरेश को वह पत्र मिला था जिसमें सरकार को हालिया तनाव पर बातचीत करने के लिए भाग लेने का निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने कहा है कि निमंत्रण विदेश मंत्री महमूद बिन अब्दुल रहमान साकी को फारस खाड़ी सहयोग परिषद में महासचिव ने मुलाकात के दौरान दिया था। आपको बता दें कि इससे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान साकी ने ईरान और अमेरिका के बीच तनाव वार्ता की मांग की थी ताकि दोनों देशों के बीच जारी विवाद को हल किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, निशाने पर चल रहे सिद्धू का इमोशनल ट्वीट, कंधों पर तो जनाजा उठा करता है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब सरकार के मंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने इमोशनल ट्वीट करके कहा है कि जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, औरों के कंधों पर तो जनाजा उठाया जा सकता है। हालांकि सवाल ऐसे भी उठ सकते हैं कि ट्वीट के जरिए सिद्धू किस पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद सिद्धू का दूसरा बयान सामने आया है। इससे पहले 25 मई को कांग्रेस नेता ने चुनाव परिणाम के बाद यह ट्वीट करके कहा था। उन्होंने कहा था कि सैराना अंदाज में नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि अभी भी मैं हारा नहीं हूं बल्कि आगे भी काम करता रहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते पंजाब में के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को हार का जिम्मेदार ठहराया था। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर के वहां के सेना प्रमुख कमर वाजरा से झपकी दी है, इसी वजह से कांग्रेस को हार मिली। सूत्रों के मुताबिक तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाई कमान से कह दिया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के कारण पंजाब और अन्य राज्यों में पार्टी को काफी नुकसान हुआ है। अब पार्टी को उनमें से या तो नवजोत सिंह सिद्धू को चुनना होगा या फिर दोनों में से कोई एक को चुनना होगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान से मायावती ने कांग्रेस को दिया झटका, 6 विधायक ले सकता है गहलोत सरकार से समर्थन वापस। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा जीत के जश्न में डूबी हुई है तो वही कांग्रेस के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। खबर है कि राजस्थान में मायावती की पार्टी BSP अशोक गहलोत के समर्थन वापस ले सकती है। इंडिया टुडे के मुताबिक राजस्थान में गहलोत सरकार के BSP के 6 विधायक अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। इसके लिए सभी विधायक आज राज्यपाल से मिल सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे 12 निर्दलीय उम्मीदवार भी कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस में विधायकों की संख्या 112 तक पहुंच गई है। ऐसे में बीएसपी समर्थन वापस ले सकते हैं तो भी गहलोत सरकार बनी रह सकती है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, चुनाव बाद योगी सरकार की पहली कैबिनेट में आवारा पशु से निजात पाने के लिए 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में गो संरक्षण तथा संवर्धन कोष नियमावली 2019 को मंजूरी देते हुए 7 प्रस्ताव पर पास हुआ है। जी हां दोस्तों, चुनाव के बाद आवारा पशुओं का मुद्दा छाया हुआ था। आपको बता दें कि कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी गन्ना आपूर्ति विनिमय तथा क्रय में बदलाव के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कमीशन को हटा करके अंशदान शब्द रखा गया है, इसमें टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाती थी। इसमें 2 साल में 1.67 करोड़ रुपए टैक्स के चलते गए हैं। बैठक में राज्य विद्यालय अधिनियम 1973 और 1975 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही अमेठी स्थित कॉलेज को कानपुर विश्वविद्यालय की जगह राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध करने पर सहमति बनाई गई है। गो संरक्षण नियमावली में बदलाव भी किया गया है, जिसमें से गो आश्रय स्थल में संचालक की नियमावली बन गई है। इसके लिए कोर्स फंड बनाया जाएगा। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष में शराब के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण के संबंध में CAG की रिपोर्ट में विधानमंडल के समक्ष पेश करने के लिए राज्यपाल की सहमति लेने की मंजूरी का प्रस्ताव है। आपको बता दें कि 2018 और 19 के प्रावधान शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग के एक मुक्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी किए गए स्वीकृतियों से कैबिनेट को अवगत कराना होगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर, लालू यादव बोले राहुल गांधी का इस्तीफा साबित होगा आत्मघाती कदम। जी हां दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर के बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का कांग्रेस पद से इस्तीफा देना न सिर्फ उनके पार्टी के लिए आत्मघाती होगा बल्कि उन सभी राजनीतिक और सामाजिक ताकतों के लिए भी एक झटका होगा जो RSS के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के इस्तीफे की चाल
फंसते जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राहुल गांधी इस पद से इस्तीफा देते हैं तो ये सीधे तौर पर बीजेपी के जाल में फंस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई और कांग्रेस अध्यक्ष बनता है तो मोदी शाह की ब्रिगेड उसे राहुल और सोनिया का पपेट साबित कर देंगे, जो अगले चुनाव तक ही चलेगा।